जो हरे प्रभु सेवाधारी सभी नारे प्रभु सेवाधारी ऐसे गुरु को देख आत्मा वतन में एक विशेष समाचार बाप और दादा का आपस में आज विशेष समाचार। ब्रह्मा बाप बोले ब्रह्मा बाप बोले किसको शिवा ब्रह्मा बाप बोले ये विशेष मेरी सब बुझाए। शिव बाबा बोले ये विशेष मेरी रुद्र माला। ब्रह्मा बाप बोले ये मेरी विशेष बुझाए। और शिव बाबा बोले ये विशेष मेरी रुद्रमाला। रुद्रमाला के ये है विशेष मंत्र। ऐसी मीठी चिट चैट चलती हुई शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से कि आपकी ये सभी भुजाएं राइट हैंड्स है और लेफ्ट हैंड भी है। शिवाबा ब्रह्मा से पूछता कि ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड अर्थात सना समान स्वच्छ और सुख वाली। राइट हैंड अर्थात सना समान स्वच्छ और सुख वाली। तो ये सभी राइट हैंड्स है। तो ब्रह्मा बाबा क्या जवाब देता है। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए बोले हरे का पोता मैं तो आपके पास है। मेरे से पूछते पर पोता मैं तो आपके पास है। जब पोता में देखने की बात आई तो हरेक बच्चा स्वयं बाप के सामने मर्ज हो गया। कैसे मर्ज हुआ एक घड़ी के रूप में मर्ज जिसमें हरेक की घड़ी के रूप में चार सदेश चार भाग जैसे स्वास्थ्य का होता चार भाग वैसे घड़ी चार भाग में हरे की इमारत हुई। जैसे यहाँ सृष्टि चक्कर का चित्र बनाते हो हर भाग में अलग अलग कांटे लगे हुए थे हर एक में अपना अलग जो हरेक के चारों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बताया था कि अनेक घड़ियां मर्ज हो गई और कांटा हरेक के चारों सब्जेक्ट्स बताया और कांटे से सबके पोता में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे एक घड़ी रूप में मर्ज पोता में देखते हुए बाप दादा आपस में बोले समय की घड़ी और बच्चों के पुशारत की घड़ी दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया। समय की घड़ी है फास्ट और पुशारत की घड़ी थी मैं जाते में दो भाग। समय की घड़ी है फास्ट और पुशारत की घड़ी दो भाग अर्थात दो सब्जेक्ट्स की परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी अर्थात
दो सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बहुत कम थी, तो बाप दादा बोले इस रिजल्ट के प्रमाण ये सभी ब्रह्मा बाप एवरेडी ग्रुप हैं। शिव बाबा कहते ये एवरेडी ग्रुप हैं। जैसे विनाश के बटन दबाने की एक सेकंड की देरी है, दबाने में सेकंड, सेकंड की बाजी पर सारा ये विनाश की बात खड़ी है। सेकंड के बटन दबाने के ऊपर ये विनाश की बाजी खड़ी है। जैसे विनाश के बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे एक सेकंड में तैयार हो जाए, ऐसी ऐसा स्मृति का समृद्ध बटन तैयार है, जो संकल्प किया स्मृति का बटन तैयार है, जो संकल्प किया और अशरीरी संकल्प किया और सर्व विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए। एक संकल्प किया अशरीरी हो जाए और दूसरा संकल्प किया विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए। उसी स्टेज पर स्थित हो साखी दृष्टा हो विनाश लीला देख सकते हो, उसी स्टेज पर रहे तो विनाश लीला साखी हो देख सकते। सेकंड में देह के सर्व आकर्षण अर्थात सर्व संबंध सर्व पदार्थ सर्व संस्कार इन सब के आकर्षण से परे परे हो जाए।
शरीर को पड़े प्रकृति के हलचल के आकर्षण से परे फरिश्ता मन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणाएं सर्व आत्माओं पर दे सके ऐसी स्मृति का समृद्ध बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हो तब समापति हो। सुना बाबा ने स्टेज बताई पेपर्स बाबा कहते ऐसी स्टेज उसी स्टेज पर स्थित हो साथी दृष्टा को विनाश की ना देख सके सेकंड में देह के सर्व आकर्षण सर्व संबंध सर्व पदार्थ सर्व संस्कार इन सबकी आकर्षण से परे प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणाएं सर्व आत्माओं प्रत दे सके ऐसी स्मृति का समृत बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समापति हो। इस ग्रुप को देखकर वतन ने पोता में इमर्ज हो गया जैसे बाहों बल वाली सेना में वैरायटी प्रकार के सैनिक होते हैं कोई बॉर्डर पर जाने वाले के स्थान पर जाने वाले डायरेक्ट वार करने वाले और दूसरी उन्हों की फिर होते पालना करने वाले भी डायरेक्टर तो बैकबोन होता है। ऐसे ही ये जो ग्रुप है वो मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है और मैदान में आने वाले सेना के आधार पर विजय की व हार की बात होती है। अगर मैदान में आने वाले कमजोर शस्त्रहीन डरपोक होते तो सेना को डरपोक कभी डायरेक्टर की विजय नहीं करा सकती। वो आधार होता आप सेना। अगर सेना में आने वाले कमजोर शस्त्रहीन डरपोक होते तो कभी भी डायरेक्ट डिक्टेटर की भी विजय नहीं हो सकती। विश्व कल्याण के मैदान पर ये सेवाधारी ग्रुप है ये ग्रुप बहादुर है। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति ऐसे शस्त्रधारी हैं। क्या समझते बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे हैं दोनों का संवाद चल रहा है कि ऐसे शस्त्रधारी सेना सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति ऐसे शस्त्रधारी हैं। क्या समझते चार सब्जेक्ट्स के चारों ही अलंकारधारी हैं या दो भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो
वह चार भुजा वाले शक्ति स्वरूप को, ये चार अलंकार चार सब्जेक्ट्स की निशानी है। तो सभी चारों अलंकार धारी है, वह कोई ने एक किया, कोई ने दो किया, कोई ने तीन किया, कोई ने चार किया। एक धारण करते तो दूसरा छूट जाता, एक आगे पर आते तो दूसरा गिर जाता, कौन सा गुरु? बाबा बोले, सेवा के मैदान पर आने वाले गुरु को नाम, विजय के आधार मूर्त गुरु को नाम, विजय के आधार मूर्त बैठे हैं। आधार मूलक बड़ा मजबूत होना, मजबूत ग्रुप होना। हाँ, कोई पेपर आवे तो आधार हिलने वाला ग्रुप तो नहीं होना, मजबूत ग्रुप होना। कोई पेपर आवे तो हिलने वाला तो नहीं होना, कहा ना कहीं कि मुझे क्यों क्या कैसी वो क्यों क्या कैसे वाले को हिलने वाला ग्रुप तो नहीं है ना। जैसे ज्ञान और सेवा इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर रिजल्ट देखी तो 75% नॉलेज में और सेवा में 75% है, रिपोर्ट है 75%। वैसे याद और धारणा इन दो सब्जेक्ट्स की भी रिजल्ट 75% आनी चाहिए, माना वो है नहीं, वो आनी चाहिए ज्यादा अटेंशन को याद और ज्ञान और सेवा में 75%, बाकी याद और धारणा में अभी रिजल्ट 75% बाबा पास नहीं है। चारों ही अलंकार धारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्मा है, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को साक्षात्कार नहीं करा सकेंगे। इसलिए इन दो अलंकारों को धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे। डबल सेवाधारी लौकिक और ईश्वरी शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह अर्थ, लौकिक शरीर निर्वाह अर्थ और अलौकिक हुआ आत्म निर्वाह अर्थ, डबल सेवा सबको मिली हुई है और दोनों ही सेवा बाप दादा के वैरेशन पर मान मिली हुई है। लेकिन दोनों ही सेवा में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो, तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो, कांटा ठीक रखते हो, कांटे की तराजू बराबर ठीक है या कांटा ही नीचे ऊपर जा रहा है, फल रहा ऊपर नीचे तो नहीं, कांटा है तुम्हारा, कांटा है तुम्हारा श्रीमत, कांटा है तुम्हारा श्रीमत। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान रहेगा, समान नहीं होंगे तो कांटा ही नीचे गिरता रहेगा। कांटा ठीक है माना दोनों तरफ, कोई कोई बच्चे का एक तरफ का वजन ज्यादा रखते तो दूसरा तरफ हल्का जैसे ठीक है ना। कोई कोई की लौकिक जिम्मेवारी बहुत होगी तो आत्म वाला कांटा क्या होगा, फिर उनका बैलेंस नहीं रहता। और ऐसे समझते और ईश्वरी जिम्मेवारी या निभानी तो है, कहते हाँ निभानी तो है, ऐसे कहते वो निभानी तो है और वो निभानी तो है
कहते हैं वो निभानी ही है और वो निभानी तो है, लौकिक निभानी ही है और वो निभानी तो है, तो सही और तो शब्द का अंतर है। कहते वो निभानी ही है और वो निभाने तो है, इसलिए एक तरफ का वजन ज्यादा हो जाता है और एक तरफ का वजन हल्का हो, रिजल्ट क्या होती है? जो लौकिक बोझ है वो कांटा नीचे चला गया, वो झोंगा भारी तो नीचे चला, वो ऊपर उठ नहीं सकता। बोझ वाला साइड सदा नीचे धरने पर लगता है और हल्का जो होगा वो ऊपर उठेगा और समान वाला भी ऊंचा उठेगा। दोनों अगर समान हुए तो दोनों धरने से नहीं लगेंगे, ऊपर उठेगा, नहीं तो बोझा वाला धरने पर हल्का ऊपर हो जाएगा, तो दोनों रखेंगे। धरनी पर लगने कारण धरनी के आकर्षण बस हो जाते हैं, बोझ के कारण ईश्वरी सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त कर्म बंधन की लोक लाज के बोझ नीचे गया। जिस लोक को छोड़ चुके जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक लाज उस लोक की ही लाज का बोझ है, उस लोक की लाज रखना वो है जो लोक भस्म होने वाला है, उस लोक की लाज सदा स्मृति में रख और जो लोक अविनाशी है और इसी ही इस लोक से मोक्ष है, लोक बनना है, उस लोक की लाज स्मृति दिलाते भी कब स्मृति कब स्मृति स्वरूप बनते कब कब ने कहा है बाबा दादी से ग्रस्त और ईश्वरी ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरी दोनों में समानता रखना अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल बोध मनन। वास्तव में बोझ क्यों होता ग्रस्ती शब्द यूज करते, अब ये ग्रस्ती को ये शब्द चेंज तो हो जाता ग्रस्ती नहीं होती ग्रस्ती शब्द बदल ग्रस्ती शब्द होते ही ग्रस्ती बन जाता है। बड़े भारी बनते हैं तो क्या करते हैं वो बाबा ने ग्रस्तियों का कौन सा खेल होता है ग्रस्तियों का खेल है ग्रस्ती खेल खेलते कौन सा बहानेबाजी का बहानेबाजी का बहुत खेल है ग्रस्ती बनते बहानेबाजी का खेल बहुत खेलते और भाषा ऐसी होती ऐसी होंगे वैसे होंगे ऐसे और वैसे की भाषा की बोल हो बाबा को भी कहते बाबा ये तो जानते हो ये तो करना ही पड़ेगा बाबा को ये तो करना ही पड़ेगा ये तो ऐसे ही है ये तो ऐसे होएगा ही ये पाठ बाप को भी बच्चे पढ़ाने ग्रस्ती बनते हैं ना लोक में रहते बाबा दुनिया में रहते बाबा ये होते तो बाबा ये तो करना ही पड़ेगा तो
नहीं करनी, कैसे नहीं होगा तो बात होगी पाठ वहां है। बाबा कहते अब क्या करो, अभी बात को ये पाठ नहीं पढ़ा, अभी ट्रस्ट नहीं बन जा, ये बहानेबाजी खत्म कर, बहुत बहानेबाजी होती, बहानेबाजी खत्म हो तो क्या हो जाएगा, चट्टा चट्टी कला की बाजी, ये है बहानेबाजी। बहानेबाजी खत्म करो, ऐसी वैसे ये हो जो तो जल्दी कलर की बाजी शुरू हो, बाजी है या वो है या वो है, या बहाने की बाजी है या जल्दी कलर। तो आज से अपने को गृहस्थी व्यवहार वाले नहीं समझो, मन तो मिला कौन सी बात, बहाने बाजी नहीं परंतु चट्टी कला की बाजी गृहस्थी नहीं, गृहस्थी अपने को गृहस्थी कभी समझो ही किसने कहा आप गृहस्थी, न गृहस्थी हो न गृहस्थी में बात, तुम तो सब बच्चे, तुम तो सब बच्चे गृहस्थ में बात वाले नहीं, जिम्मेवार बाबा तुम तो निर्मित, ऐसा हर एक संकल्प परिवर्तन करे पब्लिक की तरफ तो और कर्म परिवर्तन हो गया। तभी ये ग्रुप जो एक बहुत बहुत कमाल कर सकता है, कर्म योगी सर्वात्मा को श्रेष्ठ सौदा कराने के निमित्त बनाए सकता, और जो भी हद के गुरु होते उनका एक गदी नशीन शिष्य अपने गुरु का नाम वाला, और यहाँ कहते हैं यहाँ सतगुरु के इतने बोले एक बाबा कहते उनका एक गदी नशीन शिष्य अपने गुरु का नाम वाला करने, और यहाँ क्या यहाँ सतगुरु के कितने सभी पद नशीन बजे, वो एक गदी का यहाँ कितने सतगुरु के गदी नशीन, कितने सब पद नशीन बजे तो बताओ एक एक बच्चा, तो आप एक एक दीपक सारी विश्व में दीप माला, तो समझा तो अब जो सारा गुरु तो बैठा है वो क्या करेगा, सारा गुरु बैठा होगा तो ऐसे गुरु अब क्या करेंगे, वैरायटी वर्ग पाई आत्मा के सेवादारी का श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार मुहूर्त बनना है। जैसे डबल विदेशी है वैसे ये वो डबल एक आत्मा है, जो है ऐसे पहुंच गए अपने बात पैदा की मधुबन होती है।
सभी उठी उठी आए हैं उठी कलाई करने के लिए अपनी बेटी मेरी दीदी दी अपनी उठी उठी बताने बैठी है बाबा के सामने बाबा की मुहर बोल सुनी नहीं रही है मुस्कुरा नहीं रही है आप सबसे बाबा से मुस्कुरा हमने सवेरे सुना कि रात को भी पहुंचे हैं कोई रात को 3 बजे भी पहुंचे कोई रात को 2 बजे से भी पहुंचे 11 बजे को पहुंचे थे सभी पहुंच गए बॉम्बे दिल्ली गुजरात मैसूर दूर दूर से भी ट्रेन पहुंच गए चार तरफ के यूपी सभी पहुंच गए हमारे कलकत्ता से टेलीजन शांता भी पहुंच गई और भी अभी विदेश से भी लंदन जर्मनी सिंगापुर आदि आदि को भी हम देख रहे हो पहुंच गए हैं तो बातों में दिखाती है कि सचमुच बच्चे कैसे से कर्म इशारे मिले तो उल्टी करना वाले उठते उठते से कर्म पहुंच जाते कोई दूर नहीं और अभी समाचार मिला कि हमारे मोहिनी बहन भी न्यूयॉर्क से निकल चुकी है पहुंच रही है और हमें पहुंचे समाचार मिला है मैं आ रही हूँ नीचे नहीं और भी सब लोग सब पहुँच गए हैं बाबा के घर सब आ गए हैं बाबा का बेहद का हाल बड़ा है सभी आज का दिन विशेष ठाकुर के उठा यात्रा में रहेंगे बाबा के रहेगा उसका सारा प्रोग्राम बताते रहेंगे सबको मालूम पता रहेगा हम सब उसी स्मृति के दो सब जो कम हो गए हैं उनके बाबा ये प्रयुक्ति हुआ है उन दोनों सब्जेक्ट को भी पावरफुल बनाता है जब वो दो सब्जेक्ट नॉलेज और सेवा स्मृति पर परसेंट है तो ये दो सब्जेक्ट स्मृति पर परसेंट पर आ गए तब दोनों कांटे का बैलेंस बराबर हो तो ये भी बाबा हिंद के प्रकार से युक्तियों से हम बच्चों को यहाँ से पढ़ाते हैं पढ़े ले जाते हैं दुनिया वालों को तो अलग काम का बैला आता है लेकिन हमारे गुरु बाबा ने सनातन मछी वैराग्य बनाई रखा ये सब हमें निशान चलती कला के और इशारे ब्रह्म शंकर दादी और गांधी बहन दोनों के सामने आए तो सबसे हमारे को ये भी समाचार मिले कि हमारी बेटियाँ दादा थी वो तैराकी थी और आई नहीं थी लेकिन मालूम है उनकी तबीयत बहुत ढीली है उसको बहुत दर्द आके पड़ा होते रुक गए हमारे कलकत्ते के रमेश भाई थे एरोप पहुँच गए थे लेकिन उन्होंने दो बार कोशिश किया और बहुत तकलीफ उनको दर्द वो भी एरोप से कर वापस चला ये ईश्वरी बेहद परमात्मा स्नेह का ध्वज है ये बाप और बाप के बच्चों के संयोग का ध्वज है बेहद परिवार का संगठन बाप
शांति के साधक हैं, भंडार हैं, दाता हैं, ऐसे बात कर रहे हम सभी शांत स्वरूप बच्चों को, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो टाइम टू टाइम 3 महीने 6 महीने 12 महीने पेपर आते हैं, अटेंशन से पढ़ने वाले बच्चे तो हर पेपर में पास होते हैं। ये भी स्कूल है, हम बाबा भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, सत्पिता का सब गुरु है, जो कुछ कहे बाबा हमारा सब कुछ है। तो जैसे हम कहते हैं बाबा हमारा सब कुछ है, बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तुम हमारे सब कुछ। ऐसे प्यारे बाबा के हम सभी बच्चों को हर समय हर सेकंड हर पल बाबा के महावाक्य संशोधन ध्यान में तो रखते हैं। बाबा ने सदा के लिए न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के शोक वाटिका से सदा के लिए बाबा ने पार कर दिया। तो ऐसे मंत्र बाबा के हमेशा बच्चों के ध्यान में रहने से बहुत बड़ी सेवा होती है सारे विश्व की, क्योंकि बाबा ने हमेशा हम लोगों को ये याद दिलाया है जैसा कर्म हम करेंगे मुझे देखते हैं। तो जो बातें हम सारे संसार को समझाते हैं संपूर्ण निर्विकार जिसमें सब कुछ आ जाता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा भी आ जाता है, उस धारणा को सदा ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना हर श्वास हर कदम बाबा की याद में रहे तो अपने लिए हर कर्म में कल्याण ही कल्याण। क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं, बाबा भी जानता है, तो जिन बच्चों के लिए इतनी सारी बाबा ने मेहनत की कराई परम धाम छोड़ के सृष्टि पर आए और खुद ही कहते हैं मैं सृष्टि का मालिक नहीं बनता हूँ, सृष्टि के मालिक तुम बचे। तो मालिकों को अपने पुराने मकानों को रिपेयर भी करना पड़ता है, ओवरहॉल भी करना पड़ता है और तोड़ फोड़ के नया भी बनाना। तो ये हम सब के पुराने मकान है, मोटर कहे मकान कहे कोठी कहे, समय पर समय जब हम सभी इसको टाइम टू टाइम नंबर वार अदली बदली करेंगे तब तो फिर हम लोगों को नए नए फर्स्ट क्लास मकान मिलेंगे। ये सब ज्ञान ध्यान में रखते हुए जो होता है सब में भला, और कहते भी है बीवी को चित वो नहीं, आगे हम सभी को पुरुषार्थ का ध्यान रखते हर कार्य शांति से करना बहुत बड़ी सेवा का साधन। ये तो बाबा पेपर हम सबको देखते हुए देते हुए बाबा ही पास करता है और बाबा ही सर्टिफिकेट देता है, हर बात में निर्संकोच रहना, कार्य सब करना है विधि पूर्वक कार्य करना है। बाबा ने पिताजी बोली में सुना विधानसभा को भी ठीक रखता है, परंतु
ऐसा कोई कर्म न करना है जो लोग कहे तो ये भी तो होता ही है, कहने से क्या होता है, ऐसे शब्द हम कभी नहीं समझ जाएंगे। इसलिए जो दुनिया करती है वो हम कभी कर नहीं सकते हैं। हम लोगों का हर कर्म हर कदम न्यारा और सारे संसार को साथ में प्रभु को प्यारा है। इसलिए जो भी हमारी प्यारी दीदी सबकी प्यारी, और हम तो सोचते भी नहीं है कि दीदी कहीं गई, क्योंकि विश्व के विशेष आत्माएं और विश्व के हर्ता करता नए संसार की रचना भी तो ऐसी ऐसी महान आत्माएं जब जाके हम लोगों के लिए महल बनाए तब तो हम जन्म, और हम लोग जन्म भी कहाँ लेंगे, हमको ऐसे अलौकिक माँ बाप चाहिए ना। तो हम तो सच बताऊं तो मेरे लिए तो दीदी तो थी ही थी, लेकिन हम तो हंसी प्यार से हमेशा दीदी को माँ भी मानती थी और गुरु जी कहती थी प्यार से। क्यों? तो मेरे को इस अज्ञान में, भले आप सभी सोचते हो तो बाबा जन्मदाता है तो श्रेष्ठ कर्मदाता तो जरूर ही है, लेकिन ये भी आप जानते हो तो घर के बच्चे जल्दी बनते हैं। तो हम भी ऐसे, हम बाबा की थोड़ी नटखट बच्ची थी और दीदी ही निमित्त बनी हमको फिर से नया जीवन देने। उसने जितनी मेरे ऊपर मेहनत की इस ज्ञान के धारणा के लिए, बाबा ने उन्हें, बाबा तो कई बाबा अगर पर्सनल मेहनत करे तो भी नहीं चलेगा, कहेंगे देखो अपनी बच्ची को ऐसे करता है ऐसे करता है, तो लोक संग्रह बाबा को भी रखना पड़ता है। और हम भी अगर सोचो तो आप सभी जानते हो, हाँ आप अनुभवी होंगे तो बाबा से हम बैठ के ज्ञान ले, ये भी संभव नहीं था, था ही नहीं, हुआ भी नहीं। ये हमारी दीदी मेहनत बहुत कर करके, मेहनत कर करके हमको ट्रांसफर किया लौकिक से अलौकिक। तो हम तो प्यार से हमेशा दीदी को कहती थी, वो हमको प्यार से कहती थी तुम हमारे गुरु की बेटी हो इसलिए तुम प्यारी लगती हो, और मैं उसको कहती थी तुम हमारा गुरु हो इसलिए मैं तुमको प्यार, तो तुम मेरे को तो जो ज्ञान देने के निमित्त बनता है वो माँ समान है, तो अलौकिक माँ। और निमित्त हमारे जीवन के परिवर्तन का पुरुषार्थ हमारी दीदी का है। तो मैं समझती हूँ आप सबसे प्यारी हमको लगेगी दीदी, और है भी क्योंकि आत्मा हमारे, इसलिए अब जो भी बाकी कार्यक्रम है प्यार से करते, हर सीन को साथी होकर देखते आगे चलते रहे। सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो दीदी जी का दत्तात्रेय सबसे गुणग्राह तो ये दिखाती है। तो सबसे जिस जिसमें जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं के तरफ ध्यान देने से आप कहीं कुछ सीख करके अपने में विशेषताएं भरती है, और इसकी रिजल्ट क्या होती है सबसे बड़ा स्नेह रहता है। जब नजर विशेषता में जाती है, बाबा ने किस विशेषता के आधार से इस बच्चे को किस कोने से बुला करके अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया,
गोद में लिया, इसमें क्या विशेषता? तो उस विशेषता के तरफ ध्यान देने से विशेषता खुद में आप इससे सारे परिवार से अपना प्यार है, जिसको उसे रूहानी शरीर उनके गुण है, उनके कर्तव्य है, आप जैसा बाबा वैसी उसकी रचना, रचना को देख देख के क्या बाबा की रचना, क्या बाबा वाह कमाल बाबा, गाँव से बाबा ने बच्चों को बुला एक मत पर चलाया, ऐसी ऐसी विशेषता सीखने के लिए दीदी से स्टूडेंट लाइफ की हैंडलिंग पावर की आज्ञाकारी फरमानदार वफादार पूरी ईमान ऐसी ऐसी अब तो पिछाड़ी थी हमको सदीव कहती थी चंद्रमणि उपड़ा, कोई ऐसी बात होती थी थोड़ा सा मेरे को कॉन्फ्रेंस में बुखार हो गया तो दीदी को कोई नहीं जाके सुनाया तो दीदी मेरे पास आया चंद्र मणि ऐसे उनका थोड़ा बुखार हो गया, भूल जाओ बुखार क्यूँगा घर जाना, ये बुखार भी नहीं बुखार शरीर को हो गया शरीर बुखार क्यूँगा नहीं ये शरीर को हमको है तंदरुस्त हमको तो घर भी चलना है, इतनी उपराम मिलती मैं आपको क्या बताऊं, सदीव दीदी को मैं उपराम मिलती में अव्यक्त देखा, कभी कोई ऐसी बात हुई तो कहेंगी वो हरान करती है ये हम क्या स्थूल बात नहीं कोई बात किसकी सुनाई चाहिए तो आप इंड पट जाएंगे, अब आओ हम आपस में बाबा की बातें करें रू आराम कर गहराई में जा जाते ये बात करके ऐसी ऐसी बातें हमारी दीदी बनी सनेह और मीठी और आप सब की भी प्यारी हम सब की प्यारी बात वो बातें ही आपके सामने रखूंगा। दीदी जी ने गुरुवार सुबह 9:30 बजे अपना ही पार्थिव शरीर जो उसको छोड़ा, उसको पहले मंगलवार सुबह हॉस्पिटल से फोन आया, दीदी की तबियत जो है काफी दीदी आप सब यहाँ पर आ जाओ, जैसे हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर असोपा करके जो हाउस सर्जन जो था डॉक्टर भगवती का आश्वासन था वो भी न्यूरो सर्जन है, उसने बताया कि जो श्वास जो है वो कम होते जाते हैं और काफी कम हो गए हैं और ब्लड प्रेशर भी अब काम बहुत करता है, तो इसीलिए हम लोगों को ऑक्सीजन और साथ साथ रेस्पिरेशन देने का प्रयत्न करते हैं ताकि श्वास ठीक हो जाए और श्वास ठीक हो जाएगा तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो भी अच्छी इससे पहुंच जाएगा और तबियत अच्छी हो सकती है, अभी भी चांसेस काफी है। बाद में डॉक्टर भगवती जो है जिनसे दूसरी बार ऑपरेशन हुआ था उनसे भी हुआ, उसने भी कहा कि आप लोग क्यों नहीं होम्योपैथी को भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मगज के अंदर जो फिर से सूजन हुई है उसके लिए होम्योपैथी दवा का ट्राई करिए। तो दूसरे दिन सुबह डॉक्टर अशोक आइडिया करते हैं काफी नामी जानी है वहाँ की होम्योपैथी कॉलेज जो है उसका प्रिंसिपल है और होम्योपैथी डॉक्टर के नाते से उसने जयप्रकाश नारायण है सिनेमा स्टार आए थे काफी अमिताभ बच्चन है आदि आदि को भी अटेंड किया हुआ था, उनको बुलाया उसने भी एग्जामिन किया और उसके बाद उनकी
और डॉक्टर भगवती जी की आपस में बातें हुई और हमने भी पूछा डॉक्टर अशोक भाटिया को कि आपको क्या लगता है, तो उसने भी यही कहा कि ये ब्लड प्रेशर जो है इस ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल में लाया गया है तो चांसेस काफी अच्छे हैं और विकास उसने दवाई भी करी। दवा हिंदुस्तान के अंदर जो स्थिति होगी इंडिया में जिसने कहा था कि जर्मनी से जब दवा आ जाए तो वो अच्छा है, जर्मनी से भी दवा मंगाने का प्रयत्न किया परंतु शाम से ही ब्लड प्रेशर ने फिर से अपना जलवा दिखाना शुरू किया और जीरो तक भी पहुंच गया है। जो नीचू का होता है ब्लड प्रेशर ऊपर का भी होता है नीचू का भी होता है, तो उसमें नीचू का दो चार बार पहले भी जीरो तक पहुंच गया था जिससे जीरो और उसके बाद फ्लक्चुएशन बहुत कभी 80 सेकंड में 100 से 120 120 ऐसा पहुंचता था परंतु उससे ज़्यादा ऊपर जाता ही नहीं था। और ये तो आपको जानते हैं जितना लोअर जो नीचू का जो ब्लड प्रेशर जो है जितना कम होता है उतना ही हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। दूसरी कारण आस्ते आस्ते जो है शरीर के अंदर हार्ट वीक होता था, हार्ट वीक होने के कारण शरीर में जो भी दवाइयाँ देते थे वो भी इतनी हजम नहीं होती थी और थोड़ा दिन द्वारा दवा देते थे और राइट ट्यूब के द्वारा भी मुख से भी जो दवाई देती थी वो भी ट्यूब के अंदर देते थे, अंदर शरीर उसको एब्सॉर्ब भी नहीं करता था और इस प्रकार से ब्लड प्रेशर के कारण जो डिफेक्ट हुई उसके कारण अंतर हमने देखा उनके मुंह के ऊपर तो वही क्रांति क्रांति जो होती है और मुख का परिणाम है क्रांति और जैसे कि कोई योगी योग में रहा हुआ है उस प्रकार की उनके मुंह की आहातें और अंतर मतलब उस प्रकार से उनका हुआ। डॉक्टर कल्दाली जी ने भी आपको बताया कि डॉक्टर्स ना कहते थे, डॉक्टर की बात सही थी, मुझे जितना भी ग्लूकोज के द्वारा जो दवाई दी थी शरीर के अंदर पानी जो है काफ़ी गया हुआ था और शरीर के अंदर हार्ट भी होता गया था इसलिए हजम भी इतनी होता था और उसके कारण यूरिन जो है इतना वो भी पास नहीं होता था इसलिए शरीर के अंदर पानी काफ़ी था और आप जानते हैं ज़्यादा टाइम बॉडी रखते हैं तो डिकम्पोज होता है और शरीर से पानी या जो भी है वो बहना शुरू होता है, तो इसलिए डॉक्टर सारी मना कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ वो डॉक्टर्स मना नहीं करते थे परंतु हमारा बाबा जो है कई बातें हमने इस दादी दीदी जी के कारण नोट की, उसमें ये भी नोट की क्योंकि शुरू से मेरा ये विचार था जो भी हमारे बड़े जिन्होंने बॉम्बे में शरीर छोड़ा है इन सब के बारे में मेरा ये विचार था कि उनको मधुबन लेके आना चाहिए। जब बाबा के लौकिक युगल जो थे जसोदा मैया इन्होंने शरीर छोड़ा बॉम्बे में तब भी हमने कहा था कि बॉडी को मधुबन ले चले, तब भी कहा गया बाबा ने कहा नहीं शरीर तो सर्दी है और इसलिए उनको नहीं हम ले चलेंगे बॉम्बे में ही अग्नि संस्कार होगा। विश्व विश्वदारा ने जब शरीर छोड़ा तब हमने जीत भी किया कि नहीं हम उनके शरीर को तो अब ले जाएंगे, हमने चार्टर फ्लाइट का बुकिंग भी करा लिया सब कुछ किया परंतु बाबा ने कहा कि नहीं मधुबन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपके संस्कार बॉम्बे में ही होंगे। तो इस समय पर भी हमने सोचा कि बाबा जो है जरूर ना ही कहेंगे, तो इसलिए हमेशा ही अब तक लॉ एंड लॉ के बीच में लॉ का विजय होता था लॉ की हार होती थी। दीदी के इस प्रकार शरीर छोड़ने से हम बच्चों के जो भावनाएं थी उसकी पूर्ति करने से पहली बार हमने देखा कि लॉ का लॉ के ऊपर विजय हुआ
और जान की तरफ जब मिले तो डॉक्टर ने यहाँ कहें बाबा ने उनके द्वारा हाँ कराई कि भले आप बॉडी ले जा सकते हैं। तो जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो हमने सुना कि डॉक्टर ने हाँ कह दिया, तो हमने मन में एक हर्ष, एक प्रकार का हर्ष अनुभव किया कि हमारी आश डॉक्टर ने हाँ पूरी की। फिर भी हमने कहा कैसे बॉडी को ले चले, तो मैं डॉक्टर के पास मैं और अनिला खड़े रहे, डॉक्टर विजिट पर गया हुआ था अपने पेशेंट को देखने के लिए, काफी टाइम उसको लग गया। और जैसे वो आया डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि कैसे उनको ले चले, तो उन्होंने कहा कि हमें इतना अनुभव नहीं है परंतु बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन न हो जाए इसके लिए कई अंडर टेकर होते हैं इनके द्वारा आप कोशिश करिए। हमने कहा कि हम हवाई जहाज के द्वारा ले चले, तो आपकी मर्जी है हवाई तो बॉडी उठाने के लिए जो है सालों में टी या कार के अंदर ही हम लेके जाएंगे मधुबन में बॉडी। मैं वहाँ पहुँचा तो हॉस्पिटल वालों ने डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया था, उसमें नाम लिखा था मिसेस मधुमोहिनी। हमने कहा तो ब्रह्मा कुमारी को होना ही चाहिए, उन्होंने ऑक्यूपेशन में लिखा था ब्रह्मा कुमारी सर्टिफिकेट सही और डेथ का मृत्यु का कारण क्या है कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब कि दिल के दौरे के कारण श्वास श्वास का बंद होना, वही उन्होंने लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि इसमें चेंज करने का है ब्रह्मा कुमारी मन मोहिनी ने ऐसा लिखवाने का है। इन्होंने कहा कि भाई आपके एडमिशन पेपर्स में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा उसमें क्या है नीचे में लिखा हुआ है ऑपरेशन में ब्रह्मा कुमारी, तो इसलिए आप इस प्रकार से चेंज करा दो। तो उस चेंज कराने में टाइम हो गया, उसके बाद वही डेथ सर्टिफिकेट को लेकर के जब म्यूनिसिपालिटी के ऑफिस में गए परमिशन के लिए, तो वहाँ पर क्या है लोग के लिए अग्नि संस्कार करना होता है तो डेथ सर्टिफिकेट के सभी कॉलम्स भरना होता है, उसमें नहीं भरते हैं कई बातें छोड़ देते हैं। तो वहाँ गए तो मैंने कहा ये कॉलम नहीं भरा हुआ है इसको अंदर लिखा के लाओ, तो उसमें उसको लिखाने से कितने बजे से भी छोड़ा वो लिखाने की बात थी, तो वो लिखाने के लिए आए। फिर वापस गए तो क्या ये कॉलम नहीं भरा हुआ है ये भर के लाओ, क्योंकि बॉडी में जो भागा नहीं जाना होता है तो सभी बात हो रहा है नहीं उसमें लिखना पड़ता है ताकि कहाँ उनकी चेकिंग हो। तो वो भी फिर दोबारा गए, फिर वहाँ से उन्होंने परमिशन दिया, वहाँ से कमिश्नर और पुलिस के पास गए और उसे नहीं हमको कहा था कि आपको अगर चिंता है और बॉडी को ज़्यादा टाइम रखने का है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स के रूप में दवाइयाँ आती हैं जे जे हॉस्पिटल के अंदर वो भरते हैं, अगर वो हवा अगर दवाइयाँ बॉडी के अंदर भरतेंगे तो बॉडी ग्रोथ मास्टर भी रह सकेगा इसमें वो दवाइयाँ इफेक्टिव हैं। तो फिर भी आपस में राय मिली तो कहा कि यहाँ हमको दवाई इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन जितना खिला करके पार्ला से हमको दीदी जी के बॉडी को लेके आए। वहाँ पर सबने अपनी अपनी भावांजलि पुष्पांजलि ऐसी दिया, बाबा चौंकर भी वहाँ से लेके गए और फिर भेजनी है ताकि सबको ख्याल रहेगी हम लोग आराम से यहाँ तक पहुँच गए। और दूसरा ये भी सोचना था कि कितना किलोमीटर हम चले, क्योंकि 7:30 बजे चले और 4 बजे 10:30 बजे आया, एग्जैक्टली 3 घंटा हुआ। तो वहाँ पर जैसे सरदार की दुकान थी वहाँ पर गया, मैंने पूछा कि कितना किलोमीटर हुआ, उन्होंने कहा कि 120 किलोमीटर बॉम्बे से। फिर उनसे बात करते करते और उनकी बातें आई, ज्ञान की बातें आई, अपनी दीदी जी के बारे में थोड़ा सुनाया। उसने कहा आप कौन कहाँ जाते हो, एम्बुलेंस में बॉडी को क्यों कर क्या है उसमें, तो बातें बताई दीदी जी के बारे में बताया, चंद्र जी भाव हुआ। और उसके बाद हमने कहा कि हमारे रिश्तेदार जो है वो भी यहाँ से थोड़ा ही दूर रहता है, कहा हम उनको पहचानते हैं ऐसे बात करते हैं। उसने कहा कि आप अपने रिश्तेदार को फोन क्यों नहीं करते, मैं अभी मिला लेता हूँ। तो उसने फोन मिला दिया, मैंने सोचा मैं उनसे क्या बात करूँ क्या बात करूँ, तो मैं सोच रहा था मैं बाबा से मन में पूछा गया क्या बात करें, जैसे कि बाबा ने उसी टाइम पर दर्ज किया कि अब ने जो संकल्प किया ना कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं आराम से पहुँच गए हैं, वो उनको फोन में बताओ और उनको कहो कि बॉम्बे में इन्फॉर्म करें कि हम लोग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर आराम से पहुँच गए हैं। तो हमने उनको फॉरन उस टाइम पर कहा कि भाई हम लोग इस प्रकार से
प्रेम बाबू के साथ घर जा रहे थे मामला हो और आप बॉम्बे में फोन करके हमको बताइए कि हम यहाँ तक आराम से पहुँचे हैं, रास्ते में अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई है और बॉडी जो है वो भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व हुआ, कोई तकलीफ नहीं है। वो हमको उन्होंने बाद में बताया हमको बॉम्बे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो इन्फॉर्मेशन सकेगा और पहुँच गया कि 10:30 बजे तक वहाँ पर पहुँचे। थोड़े आगे चले तो मैं तो गाड़ी में देख रहा था परंतु तो मुझे साइड का नहीं दिखाई पड़ा, तो मैं आगे रास्ते पर देख रहा था। इतने में अनिराज भाई जो है उनकी एकदम आँख खुली और उसी घड़ी उसने फ्लैग देखा, अपना झंडा जो है वो देखा। तो फौरन गाड़ी रुकवाई, गाड़ी कभी आगे चली गई थी तो रिवर्स में ले करके वहाँ पर अपने बहन भाई ने तो पूछा क्या है, तो कहा हम तो बरसात सेवा केंद्र के और हाईवे पर या दूर करके गाँव में वहाँ पर आए हुए। जैसे कि बाबा के सभी बच्चों की बाबा को दिल पूर्ण करनी है तो उस प्रकार से खड़े थे, हमें मालूम थे और अचानक हरिदास भाई की हम लोग पांच थे, हरिदास भाई हम भंडारी भाई लक्ष्मीबेन हमारी और सुदेश भाई, इस प्रकार से पांच थे। रात को 1:30 बजे इस प्रकार से बलसाड़ आया जो बॉम्बे से करीब 125 माइल दूर है। तो उन्होंने को हमने पूछा कि आप कितने समय से यहाँ खड़े हैं, इन्होंने कहा कि 9:30 बजे हम खड़े हैं। 9:30 बजे से खड़े जो थे तो 1:30 बजे वहाँ पर इतना टाइम उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, योग किया 10 मिनट के अंदर पद्मी लाल ने अपना गुहारा दिलाए वो किया, दर्शन किए और आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो मुझे एक संकल्प आया कि बाबा देखिए एक 2 मिनट के दर्शन के लिए उन्होंने 4 घंटा तपस्या की और हमें मतलब ये चांस मिला कि हम इसी के साथ प्रकाश के साथ हम सफर कर रहे हैं। तो हमारा ये कौन सा ऐसा कर्म है जिसके आधार पर हमें ये ड्यूटी मिली थी, एक प्रकार का ये चांस मिला। तो बाबा ने जैसे कि जवाब देते हैं कि बच्चे तुमने संकल्प किया था, क्या हुआ था कि अपना दीदी के साथ हम 1980 में फॉरेन में जाने का हमें चांस मिला, तो वहाँ पर अचानक ही दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वापस हिंदुस्तान तो थोड़ा ही दो 4 दिन पहले से वहाँ पर रखी यहाँ आ गए। तो मैंने दीदी से कहा था एक बार उसी टाइम पर कि हम दोबारा ऐसा चांस हमें मिले कि हम दोबारा पूर्ण तैयारी करके निकलें और हम आप और लक्ष्मण जो है चल करके फिर से विदेश यात्रा पर विदेश की सेवा करने के लिए जाएंगे। वो बात तो बात थी, हम तो भूल गए थे, छोटी बात थी। बाबा ने यदि कहा कि देखो तुम्हारा संकल्प था तो देखो आज कार में मतलब इस वर्ष के अंदर लक्ष्मी भी है, दीदी भी है, तो आप इस प्रकार से संगम के अंदर बाबा सबका संकल्प पूर्ण भी करता है। तो ये हमारा एक संकल्प जैसे कि बाबा ने पूर्ण किया, उस प्रकार से त्रिकालदर्शी बाबा ने हमको याद कराया। फिर थोड़ा आगे चले और इतनी जगह से भाई बहन जो है मिलते रहे। उसके बाद थोड़े आगे चले, रात को करीब 1:30 बजे था और रास्ते में एकदम ट्रैफिक जाम हो गया। तो हमारे एम्बुलेंस तो उसने ट्रैफिक में एकदम 100-150 जैसे ट्रक खड़ी थी, तो एम्बुलेंस के कारण हमको एकदम सबको ओवरटेक करके आगे चल करके जहाँ ट्रैफिक जाम होता था वहाँ एकदम सामने में 2 ट्रक खड़ी थी और उसके सामने ही जाकर के उसने एम्बुलेंस खड़ी कर दी, कहा ट्रैफिक यहाँ पर आगे जाम। तो हमने कहा कि उतरे वहाँ गए तो एक आदमी जो था मतलब ड्राइवर जैसा था वो ही सब कंट्रोल कर रहा था, तो हमने सबने कहा कि यही आदमी ने ट्रैफिक जाम कर दिया है। तो हमने भी जाकर के कहा कि भाई हमारे साथ में जय गोरी है और समझी हमारी यात्रा है मामला बदल जाना है और आप जरा ट्रक अपनी साइड में ले लो तो हमारी ये निकल जाए। उसने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं निकाहूँगा क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक जो है उसमें 12 टन सीमेंट भरी हुई थी और वो ट्रक जो है स्लिप हो गई और रास्ते से साइड में गिर गई थी, तो उसके अंदर जो ड्राइवर था वो फंस गया। तो उसने कहा कि देखो अगर मैं ट्रैफिक मैं बाजू में जाऊँगा तो सब ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा
कोई यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि हर एक की ट्रक में लाख दो लाख का सामान होता है और कोई ऐसे फालतू बेकार पर रुकते नहीं और उनके लिए मददगार नहीं बनते हैं। तो था वो आदमी से जिंदा है, उसका पाँव निकल गया है, उसको निकाल लेगा आपके साथ तो लेट हो गई और इसलिए उसका इंतजार में लोग वहाँ पर हैं। और ये तो चेतन है, जिंदा आदमी, उसके घर में भी उसके बाल बच्चे हैं, वो भी उसको इस प्रकार से आपके वहाँ बैल रहे हजारों इंतजार करते हैं, इस प्रकार से उनके भी लोग वहाँ पर इंतजार करते होंगे और ये जिंदा है। तो हमारी फर्ज है कि जिंदे को ज़्यादा ध्यान दें, ना कि मरे हुए को। ऐसा वो पंजाबी था, एग्जैक्ट था, उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं हटूँगा यहाँ से। तो हमने कहा भी करो ना, उसने कहा नहीं मैं भी ऐसे, उसने कहा कि मैं भी ऐसे एक बार फंस गया था और लेकिन दूसरे ड्राइवर ने ट्रक को बिल्कुल रास्ते में आड़ी उधर से रेडी कर दी ताकि कोई भी गाड़ी ना उधर से जाए इधर से जाए और पीछे हमको उठाया और हमको हॉस्पिटल में दाखिल किया और मैं बच गया। तो जो मैं बच गया है, क्या से मेरे सिर पर जो जिम्मेदारी थी, बोझ था, वो मैं आज कम करूँगा। ऐसे जो आदमी से फंसा हुआ है उसको हम निकालेंगे, उसके बाद ही ट्राफिक के यहाँ से चलेगा। तो एक दूसरे ने कहा कि हम पुलिस को बुलाएंगे, सारा ट्राफिक को जाम करता है। तो उसने कहा पुलिस तो सुबह 9-10 बजे आएंगे ना, तब तक बिल्कुल नहीं हटूंगा मैं यहाँ से, जब तक वो बॉडी मतलब वो आदमी जो अंदर से नहीं निकला है। तो फिर मैंने कहा कि ये तो अभी गुस्सा भी नहीं कर सकते, झगड़ा भी नहीं कर सकते और कुछ कह भी नहीं सकते। तो हमने क्या किया, मैं साइड में चला गया बाबा से ट्रंक कॉल मिलाए, बाबा को कहा बाबा अभी वो भी आदमी तक फंसा हुआ है, उसको आपको भी निकालना पड़ेगा। उनको आप नहीं निकालेंगे तो ये तो जब और कहता है सुबह ट्रैफिक कॉल भी सुबह 9-10 बजे आएंगे, तो 9-10 तक तो हमें यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए जल्दी अगर दीदी को यहाँ से पास करने का है रास्ते पे तो आपको भी निकालना पड़ेगा। तो उसने वहाँ पर जो रूल अंदर थे उन्होंने एक ने कहा कि भाई पावर जेट मिल जाए तो हम उनसे इसका जो पाँव फंसा हुआ है अपना पेडल और क्लच पेडल और ब्रेक पेडल के बीच में उसका पाँव फंस गया था वहाँ उसको निकाले। पावर जेट के लिए हमने कोशिश किया था, इन्होंने बोला कि सबके पास नहीं था। फिर मालूम है दूसरे किसी ने कुछ और कुछ चीज़ दे दी, हरिलाल भाई उधर मेहनत कर रहा था, हाँ ये जेट जेट आदमी जो है उनको सिखा रहे। तो आखिर में 5 मिनट जो कि ये सब 5 मिनट में बहुत फास्ट की बात हुई, 5 मिनट मालूम पड़ा लोगों ने कहा कि निकला 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 उसके पाँव को निकाला 5 मिनट में, जिसको 12-12 घंटे से लोग प्रयत्न करते थे और नहीं निकल सकता था उसको बाबा ने 5 मिनट में निकाला। तो फिर ये जेट आदमी कहेंगे कि बिल्कुल अच्छा कैसे उसका पाँव फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, क्या हुआ है, अच्छी अगर तबियत उसकी होगी ना तो ही मैं मेरी ट्रक हटाऊंगा, मैं तो नहीं हटाऊंगा। तो मैंने फिर बाबा कहा बाबा इसका पाँव बहुत ठीक रखना। अगर पाँव ठीक नहीं होगा तो जट जो है फिर से नहीं हटेगा। तो ये प्योर केस ऑफ मिरेकल, तो वो प्योर केस ऑफ मिरेकल के अंदर ऐसा ही हुआ। जब उसको बाहर निकाला अगर तो उसमें जाकर के देखा तो उसके पाँव में खाली चोट लगी थी, फ्रैक्चर नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने कहा भाई अभी क्या है, कहा नहीं उसको अच्छा है, हम अभी उनको साइड के किनारे पर उसको रख देते हैं और फिर मैं अपनी ट्रक जो है उसको साइड में लेता हूँ और आप भले अपने एम्बुलेंस को ले जाऊँ। हमने बाबा कहा बाबा थैंक यू आपने। और मैंने उसको कहा उस जेट को कि देखो भाई, उसने ही कहा कि देखो भाई बच गया। मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है किसने बचाया, क्योंकि तुम्हारे पास वो ज्ञान नहीं है, हम जानते हैं कि किसने उस भाई को बचाया। तो उसने आगे कर दिया और उसके पीछे दूसरी भी एक ट्रक खड़ी थी उसको भी उसने आगे कर दिया और उसके बाद हम लोग निकले। तो साइड में मतलब उस साइड में भी करीब 150-200 ट्रक लाइन लगी हुई। और ये भी हमने देखा कि बाकी सब ट्रक वाले एकदम डिसिप्लिन की माफी दे सकते लाइन के अंदर ही खड़े थे, किसी ने जाकर के दूसरे सामने का रास्ता ब्लॉक भी नहीं किया, जैसे वो लोग कह सके और हमारी एम्बुलेंस जो है वो चलने लग गई। और रास्ता बहुत खराब था, बारिश भी थी और रास्ता भी बहुत खराब था और ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए सुबह 3:30 बजे तक हम लोग सूरत को ही छोड़कर क्रॉस किया 3:30 बजे। तो जिस हिसाब से इतना रास्ता खराब था उसलिए हमने सोचा कि ये तो यहाँ पर अहमदाबाद पहुँचते ही दोपहर में 2 दिन बच जाएंगे ऐसा लगा, क्योंकि सूरत माना आधा रास्ता 7:30 बजे का निकले हुए 3 बजे तक, अगर 3:15 को हम सूरत पहुँचे तो सूरत तो इतना जरूर इतना और टाइम लगेगा, क्योंकि बॉम्बे में सूरत 164 माइल्स है और अहमदाबाद जो है मतलब 536
किलोमीटर है, तो आधा जो है आधा मामूल से थोड़ा ज़्यादा। तो ड्राइवर लोगों ने भी बात हुई हरिलाल भाई की, ड्राइवर लोग भी बहुत अच्छे थे। मैं बताऊँ कि इतने वो लोग अच्छे थे, उनके इतने भावना वाले थे वो ड्राइवर लोग। और इतनी बात उन्होंने बाद में चलाई, इन्होंने कहा कि हम जानते हैं अगर 5 मिनट भी आप लोग जल्दी पहुँचेंगे माउंट आबू, तो आप लोग उसका हजारों इंतजार कर रहे हैं जो आपने बताया। तो इसलिए इन्होंने भी बाद में नॉन स्टॉप चलाई, खाली आधा घंटा जो मैंने कहा 4 मिनट हम इस प्रकार से फोन आदि करने में बिजी रहे, वो लोग नाश्ता करने के लिए गए। और वहाँ पर भी वो होटल वाले जो है वो भी हमारे लॉजिंग सुधार के पहचान वाले निकले। इसलिए होटल में उन्होंने जहाँ नाश्ता किया ना, तो बिल भरने के लिए गए होटल खाना खाने का, तो होटल वालों का नहीं, हम बिल नहीं लेंगे। तो आकर के ड्राइवर लोगों ने कहा कि आप लोगों की तो बहुत पहचान है, ये होटल वाला भी हमारा बिल नहीं लेता है। तो ये भी हमने देखा बाबा के कमाल कि ऐसे गांव के अंदर जाकर के वहां पर भी एक पहचान वाला ऐसा मिल जाता है जिसके कारण फोन भी हो जाता है, मैसेज भी मिल जाता है और भोजन भी उनको बिना उसमें तकलीफ मिल जाता है। और उसके बाद तो गाड़ी आगे चली और रास्ते में हर जगह पर लोग आते रहे, बड़ोड़ा में भी आए, कई जगह पर आए, अहमदाबाद तक पहुँच गए। अहमदाबाद में भी हम लोगों ने स्नान करने किया और वहाँ पर भी सत्यन भयम तब तक अपनी जो भी पुष्पांजलि आदि देना था वो दी। और फिर वहाँ से निकले रास्ते में आ गया है वो तक इतनी गाड़ी बहुत फास्ट चली, 4 घंटे में समझो अहमदाबाद से यहाँ आ गए। टैक्सी भी इतनी फास्ट नहीं आती मेरे मेटा डोर होते हुए भी। और जैसे हम बीच से ऊपर आ रहे थे मैंने कहा मैं आगे बैठूँ आपको गाइड करूँ, वो ड्राइवर ने कहा सर आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, ये हमारा पूरी जिम्मेदारी से आपको, तो हम बिल्कुल सुख सलामती से आपको पहुँचा देंगे। वैसे भी मतलब आगे लाख तक आ गए, आगे लाख से हमारे रेल जी आए, तो अपने बहन भाई आए, उन्होंने भी मतलब दिल्ली जी के वहाँ पर कुछ पाने के लिए दिया और फिर वहाँ से यहाँ आए। इस प्रकार से इस सफर को समाप्त किया। यहाँ आते ही बाबा को हमने कहा बाबा आपने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी थी उसको हमने पूर्ण रूप से अदा करने का प्रयास किया। सबके मन में बाप दादा की मूरत को अपनी मन से अपने चरण से अपने दिल से चित्र बनाकर विचित्र अनुभव कराने वाले मनोहरी जी वास्तव में मेरी अलौकिक मदर है। दीदी जी ने जन्म दिया, दीदी जी ने मुझे अलौकिक पालना और ट्रेनिंग हर प्रकार से स्कूल की रीति से जैसे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे स्वयं साथ में पढ़ाई कैसे करनी जाती है। बाबा के साथ बीत कैसे रखनी चाहिए, छिप के योग कैसे करना चाहिए, हमको याद है राजौरी गार्डन में कंपटीशन हमारे साथ करती थी, हमको सिखाती थी 2 बजे रात को जाना और योगाभ्यास करना। तो दीदी के हर कर्म हर प्रेरणा बाप दादा के चरित्र का चित्र खींचने वाले यज्ञ की स्थापना में निर्माण के कार्य में
जैसे दीदी निमित्त बनी सबको समर्पण कराने। हम सब हिस्ट्री को जानते हैं कि दीदी के स्वयं स्कूल से बहुतों ने अपने जीवन को बाबा के लिए प्रति समर्पण किया। ऐसे ही फिर दिल्ली में कन्याओं का जीवन समर्पण कराना, माताओं का जीवन समर्पण कराना, भाइयों को सच्चा बनाना, सेवादारी बनाना, ये हमने प्रैक्टिकल में दीदी जी से निर्माण का कार्य, यज्ञ स्थापना का कार्य बाबा के साथ कदम से कदम मिला। दीदी निर्माण की आधारशिला, परंतु साथ ही साथ निर्माण जी की चैतन्य मूर्ति। जितनी ऊंची पोजीशन, जितना बड़ा मर्तबा, उतना ही फिर बालक की तरह सीखे काम। लास्ट में जब लंदन में आए तो हर एक से क्या सीखा, वो अपनी शिक्षाएं कि मैं लंदन के स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। शिक्षाओं की मूर्ति, जीवन में शिक्षा धारण करके हमको सिखाया बोल रही निर्माण चित्र और हर एक के प्रति रेस्पेक्ट। स्वाभिमान में रहो तो सम्मान कैसे तो स्वस्वमान में स्थित रहने वाली और दूसरों को सम्मान देने की चैतन्य तो निर्माण की गाड़ी में तो कंप्लीट, निर्माण रहने में भी कंप्लीट और बाबा से स्पेशल वरदान मिली, वरदान मूर्ति दिव्य बुद्धि की प्रकाश का, दीदी की पर शक्ति, दीदी की निर्णय शक्ति, दीदी की सूझबूझ को निवारण करने की शक्ति भी दीदी के पास। जैसे बाबा सेकंड में बाबा के पास आओ, दृष्टि लेते, हंसते हंसते संकल्प से ही जैसे कुछ सेकंड में हर चीज का सुलझाव हो जाता, निवारण हो जाता, सोल्यूशन हो जाता। तो दीदी बातों ही बातों में समस्या का समाधान। ऐसे ही भगवान के साथ वंडरफुल संबंध, अलौकिक संबंध, सर्व संबंध निभाने का प्रैक्टिकल स्वरूप, उसका बालक बन करके रहना और उसको अपना बालक बना लेना। दीदी जी ने बचपन जमाते ही बाबा को कुछ नहीं देखा, बालक देखा और फिर बालक बन करके रहना, मां होते हुए भी, अनुभव करते हुए भी बालक बन करके, न केवल हम सबके दिल की मालिक बन गए पर बाप का रखने। मुझे ऐसा अनुभव होता है दीदी की फ्रेंडशिप बाबा के साथ बहुत रही, इतना हल्का फ्रेंड होकर के रहना तो बाप दादा बहुत समय तक इंतजार न कर सके अपने फ्रेंड को अपने पास बुलाने। दीदी की जीत हो गई, बाप दादा किसने
दीदी को वतन में बुलाया, ड्रेस चेंज की है, एड्रेस चेंज की है, साकार रूप में हमको फरिश्ते स्वरूप कर्म कराया। अब फरिश्ते के साथ कर्म करने के लिए जरूर फरिश्ते चलिए, तो आज अपना ड्रेस और एड्रेस चेंज करके उस फरिश्ते के साथ उस कर्म के लिए ऐसी प्रेरणा मिली थी। हम सब के दिल में सदा समाई हुई है, सदा समाई हुई। भाई बहन है कर्नाटक के भाई बहन है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम कर्नाटका, मैसूर, हुबली एक्सेट्रा। कर्नाटक के पश्चात महाराष्ट्र के भाई और बहन, महाराष्ट्र जिनको असुविधा हो वही स्थान सोफों पर या कुर्सियों पर ग्रहण करें, जिनको बैठने में दिक्कत है बाकी सब सामने बैठते जाएंगे, और फोटोग्राफर भाई के साथ एक तरफ बैठ जाए ऐसा कहना है। महाराष्ट्र बाकी पास गई और जाते ही बाबा ने क्या दिखाया कि बाबा के साथ हमारी दीदी जी बहुत ही आराम से, जैसे वहाँ विश्राम कर रही थी और बाबा की गोदी में उसका सिर था, जैसे बाबा की गोदी ही दीदी के लिए तकिया था और उसी ही तकिए पर आराम से विश्राम कर रही थी। तो जैसे ही मैं नजदीक गई तो बाबा ने दीदी को बुलाया और कहा कि दीदी देखो मधुबन से आपके लिए याद प्यार आया है। तो दीदी ने जैसे हमें देखा और हमें देखते ही जैसे लेटी हुई तो थी लेकिन नैन खोले और हमको जैसे ऐसे लेटे हुए ही ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाया और हाथ मिलाते हुए कहा कि आप भी आओ हमारे साथ, आप भी बाबा के तकिए पर लेट जाओ। तो हम भी लेट गए, हमको क्या कमी क्या थी, अच्छा ही था। वो भी दिन आ जाएगा जो सभी लेटेंगे। अभी कहेंगे बाबा को तो शील बहन ऐसे कह रही है। तो इसी परमान तो दीदी ने कहा तो देखो ऐसा तकिया तो कभी किसी को भी नहीं मिला है, मुझे तो बाबा ने एक मास से जैसे तकिए पर ही सुला दिए और मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए और तुमने भी वो नहीं किए होंगे जो मैंने किए हैं। मैंने कहा आप तो दीदी है, हम तो दीदी नहीं है, तो आपके तो अनुभव जरूर हमारे से अच्छे ही होंगे। फिर दीदी ने कहा तुम कहेंगी तो हमको अनुभव सुनाओ।
तो अभी मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन सुनाती रहूंगी कि मेरे अनुभव क्या रहे। तो बाबा ने कहा, तो देखो नंबर वार तो है ही ना, तो नंबर सभी बच्चों से, नंबर वन में तो दीदी दादी है ही, तो दीदी दादी जैसे नंबर वन में है तो नंबर वन को अनुभव भी तो नंबर वन होंगे ना। तो इसीलिए जो भी दीदी का ये निमित मात्र शरीर में थी, तो बाबा ने कहा जैसे तुम लोग ट्रांस में आती हो तो तुम्हारे शरीर का सांस तो चलता रहता है ना, निकल थोड़ी जाता है ना, तो ऐसे ही दीदी का सांस तो चल रहा था, शरीर तो सांस के कारण डॉक्टर भी नहीं छुट्टी दे रहे थे, तो सांस तो चल रहा था। लेकिन जैसे तुम लोग ट्रांस में जाते हो तो शरीर का सांस चलता रहता है और तुम अपने ही धुन में होती हो, वो जो देखती हो उसी दुनिया में ही होती हो। इसी रीति से दीदी जी भी ये पूरा समय भिन्न भिन्न अनुभव में विचित्र रूप के ट्रांस में थी, आप लोगों जैसी ट्रांस नहीं थी। तो मैंने कहा वो भी हम सुनेंगे, वो ट्रांसफर कौन सी होती है। लेकिन बाबा ने कहा तो जैसे नंबर वन है वैसे ही नंबर वन और अलौकिक न्यारी विचित्र रूप के ट्रांस का पार्ट रहा है, और कितना भी तुम लोग बुलाते थे तो ऐसे नहीं, कोई कोई टाइम दीदी सुनती भी रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं सुनती रही है, अंदर सुनती भी रही है। लेकिन जैसे कोई अपने मस्ती में होता है ना, मस्त बहुत अच्छी कोई चीज़ किसको मिल जाती है और उसमें ही लगे हुए होते हैं, तो नीचे आने की जैसे दिल ही नहीं होती है, इसी रीति से वो सुनती ज़रूर थी, समझती भी थी, तो मुझे बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं मेरा। और हमको याद भी है कि जिस दिन शरीर छोड़ा है दीदी ने, उसके एक दिन पहले हम 12:30 के करीब दिन का टाइम था, तो हम लोग 3-4 दिन से डॉक्टर के छुट्टी से, वैसे तो वहाँ अंदर ठहरने नहीं देते थे ना, तो हमने बड़े डॉक्टर से ही छुट्टी ली थी, तो आप दवा करो और हम दुआ करेंगे, इसीलिए हमारी कोई भी बहन वहाँ बैठ करके 20-25 मिनट योग करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत अच्छा, आपने तो हम लोगों को दवा के साथ अगर आपकी दुआ भी हो तो हमको तो बहुत अच्छा सहयोग है, भगवती डॉक्टर ने कहा था, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, आप ज़रूर बैठो। तो 3 दिन से हम बैठते रहते थे, तो उस दिन की बात है 11:30 बजे के करीब थे, तो जो हम लोगों ने प्राइवेट नर्स अपनी रखी थी रात और सुबह की, तो दिन की जो नर्स थी वो भी दीदी से बहुत स्नेही थी, और बड़े स्नेह से वो कहती थी दीदी जी आओ बुला रहे हैं, रोज़ ऐसे कहती थी, और दीदी जी हमको आपको अबू में ले चलना है, वो बार बार ये कहती थी। तो हमको कहा तो आप पहले तो योग किया, फिर उसके बाद जो है वो हमने कहा अभी आप उसको बुलाओ, भले हिलाओ थोड़ा, क्योंकि उस दिन हमने देखा कि दीदी की आंखें तो खुली हुई थी, पहले कुछ टाइम तो बंद थी 1-2 दिन, लेकिन पीछे खुली थी और आपे खुली थी। तो ऐसे कभी कभी दीदी की आंखों से लगता था जैसे देख नहीं रही है, लेकिन उस दिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे दीदी देख रही है, और आंखें जो है ना वो ऐसे ऐसे कर रही थी, जैसे ये हिलते है ना हमारे, ऐसे हिल भी रहे थे, और जैसे कुछ बोलना या होता है तो यहाँ पड़ती है ना निशान ऐसे,
तो ऐसे भी हो रहा था। तो हमने कहा आज तो दीदी जैसे प्रैक्टिकल में कुछ ऐसे हिला भी रही है, तो उसने कहा आप बोलो। तो हमने कहा दीदी जी आज शाम को अबू में जाना है आपको, तो उठो, अभी आप उठेंगी तभी हम शाम को ले चलेंगे आपको। तो वो जो नर्स थी उसने भी बोला तो दीदी जी टिकटें आ गई है, आप उठो उठो अभी उठो अभी उठो। अच्छा नहीं उठ सकती हो ना तो आप हाथ हिला के बताओ कि हाँ आप सुन रही हो। तो दीदी जी ने हाथ उठाने की तो ताकत थी नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा हाथ था ना तो ऐसा किया, बस ऐसे से ऐसा किया। तो उस समय हमको ऐसे ही लगा तो जैसे आज दीदी जी हमारा आवाज सुन रही है, ऐसे लगा मुझे। लेकिन कोई पूरा होश तो नहीं था ना, और कमजोरी भी तो काफी थी, तो कमजोरी के कारण हिल तो सकती नहीं थी। तो बाबा ने ये सुनाया, मैं तो बीच में ये अपनी बात सुनाई, तो बाबा ने कहा तो बच्ची ये बीच बीच में सुनती जरूर रही है और महसूस भी किया है कि इतने सभी मेरे से मिलने आ रहे हैं, लेकिन इनको बाबा के ब्रह्मा बाबा की जैसे याद काफी ज्यादा रही है, तो बस ब्रह्मा बाबा के साथ वतन में मुझे मौज मनानी है, ये संकल्प इसका अंत तक था। तो वही ब्रह्मा बाबा के साथ रहना है मुझे वतन में, वो संकल्प जैसे दीदी का शरीर होते हुए जो भी इतना समय रही, तो ब्रह्मा बाबा के साथ क्या क्या ट्रांस में विचित्र ट्रांस में नजारे देखे और रूह हरियान की है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ इतना समय दीदी वतन में रही है और बिन बिना अनुभव जो है वो किए हैं। बाकी आवाज जरूर सुना है और सेमी कॉन्शियस जैसे कहें इसी रीति से, लेकिन एक जैसे उसी ही में मस्त कोई हो जाता है बहलने रूह रेहान में, इसी रीति से बहुत समय रहा है। तो हमने कहा बाबा तो आप तो वतन में तो बुला रहे हो, लेकिन यहां साकार सृष्टि में भी तो ऐसे हमारी बड़ी बड़ी दादियों की आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा आवश्यकता तो बाबा भी जानता है तुम लोगों से ज्यादा है, लेकिन आवश्यकता है इसी शब्द में पकी रहो। मेरे को पकड़ा, कहा आवश्यकता है कहती हो ना, मैंने कहा हाँ आवश्यकता है, लेकिन साकार सृष्टि में आवश्यकता है। तो कहा मैं भी साकार सृष्टि की आवश्यकता कह रहा हूं। मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं, आप तो चतुराई से जवाब दे देते हो, साकार सृष्टि में आवश्यकता है लेकिन इसी चोले की आवश्यकता है। तो कहा चोला बदलने में आप लोगों को क्या है, वही चोला थोड़ी सारा टाइम पहना जाता है, बदला भी तो जाता है। मैंने कहा यही तो हम लोग कहते हैं कि आप बड़े चतुर है, जो हम लोगों को ऐसे बोला बना करके ऐसे चलाते हो, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, फिक्रात नहीं करो, ये नहीं करो, और फिर कहते हो ड्रामा। तो फिक्रात नहीं करो वो तो ठीक है, लेकिन हमने आपकी आज्ञा मानी तो आप लोग आपको भी हमारे सने का आकर रेस्पॉन्स तो देना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा क्यों तुम सबके तरफ से वकील हो के आई हो क्या? मैंने कहा वकील तो नहीं हो के आई हूँ, लेकिन सबके संकल्प जो है वो तो हमको आ रहे है ना, और हमारे भी संकल्प हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची ये तो एक कहेंगे तो फिर ड्रामा, फिर बाबा ड्रामा कह करके फिर कहा तुम कहेंगी ड्रामा नहीं कहो, और भी बाबा ड्रामा नहीं कहेंगा तो क्या कहेंगे। मैंने कहा बाबा यहाँ तो पहले ही आप बता दो ना ऐसा होने वाला है तो हम पहले ही तैयार हो जाते। कहा कितना भी तैयार हो जाओ ना, लेकिन होना सब अचानक है, ये तो आप परंपरा देखो परिवार की।
अगर बता करके ही लेना होता तो पहले तो विश्व किशोर और मम्मा का जो हुआ वो पहले बता के फिर लेता। अंत तक भी देखो मम्मा कब चला, तो अंत तक भी हम लोगों ने कहा शमशान से भी लौट के आएंगे मम्मा। तो बाबा ने कहा तो ये तो एक शुभ भावना और शुभ कामना की श्रद्धांजलि है, तो ये तो एंड तक देनी है। तो इसीलिए आप लोग ये क्यों कहते हो बाबा आप पहले से ही बताओ, पहले से बताने का ड्रामा है ही नहीं, ना है ना बताऊंगा। मैंने कहा बताना ही नहीं है फिर तो हम चुप है। लेकिन थोड़ा सा इशारा बाबा ने कहा देखो तबियत से आप लोग को इशारा दो दिन पहले दिया, और दो दिन पहले हम लोग समझ भी गए थे और बाबा का ऑफिशियल रूप हमको याद है। जब हम जा रही थी बॉम्बे में तीसरे वारी मधुबन में आए थे, और मधुबन से 5 बजे शाम को हम पहुंचे थे दादी के साथ, और दूसरे दिन 12 बजे हम रवाना हुए रमेश भाई और हम। तो दादी ने मेरे को कहा तो तुम बाबा से छुट्टी लेके जाओ, तो मैं गई तो सही, लेकिन उस समय मैंने दृश्य क्या देखा कि जैसे एक वो ऑपरेशन थिएटर होता है, और दीदी सी ऐसे आराम से लेटी हुई है और बाबा ऐसे खड़े हैं, और ऊपर से यहाँ से यहाँ से जैसे वो जो ऑपरेशन थिएटर में ऊपर एक बहुत सर्च लाइट देते हैं, और चारों ओर लाइट लाइट, और बाबा इतना ऑफिशियल खड़ा था, इतना बिजी, और वातावरण ऐसा ऑफिशियल था जो हमको पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने कहा तो दादी ने कहा पूछ के जाना है तो पूछना तो पड़ेगा ना, तो मैं हिम्मत रखते रखते धीरे धीरे आगे गई बाबा के। तो बाबा ने मेरे को देखा भी बड़ा ऑफिशियल, तो थोड़ा हिम्मत मेरी कम हुई, तो फिर भी मैंने कहा अभी पूछ के तो जाना है ना, तो मैंने धीरे से बोला बाबा मैं बॉम्बे जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा सहयोग के लिए पूछना होता है, तो मैं तो आ गई और चली गई। तो तब से लेकर के हमको भी थोड़ा सा वातावरण और बाबा का जो ऑफिशियल रूप देखा ना, तो ऑफिशियल रूप से बाबा ने कहा देख नहीं रही हो बाबा इतना बिजी है, तो इससे लगा तो जैसे कुछ केस थोड़ा है ऐसा। और वहां जाते भी दूसरे दिन डॉक्टरों ने भी कहा था तो थोड़ा सीरियस है और आप भले बता दो, फिर वो तो टेम्पररी मशीनों से फिर लेवल में आ गया, वो बात दूसरी थी। लेकिन इतला तो दो दिन पहले ही, बाबा ने 3 दिन पहले दिया और डॉक्टरों ने 2 दिन पहले दिया था। तो इसी रीति से बाबा ने कहा, वैसे तो बाबा कभी बताता ही नहीं है ब्राह्मण कुल की रीत रसम शुरू से देखो बच्चे, तो कैसे चली आ रही है। विश्व किशोर गया तो बताया था और ठीक करके पीछे ले लिया। विश्व किशोर भाई का तो ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऑपरेशन ठीक हो गया, बस अभी निकलना ही है हॉस्पिटल से, और अचानक ही हार्ट फेल हुआ और सेकंड में चल पड़ा। और ब्रह्मा बाबा का तो आप लोगों को पता ही है, तो इसीलिए बाबा ने कहा तो ये तो ब्राह्मण परिवार की रीत रसमी जैसे शुरू से चली आ रही है, तो बाबा ऐसे कैसे बताएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, अच्छा बाबा बताता दीदी जाने वाली है, फिर आप क्या करते थे। तो मैंने कहा थोड़ी तैयारी, दिल में थोड़ी ही तैयारी कर लेते थे ना, हिम्मत रख लेते थे भाई जाने वाली है, हम भी श्रद्धांजलि देते थे और तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एक पता होता है ना तो अचानक का थोड़ा दूसरा लगता है। बाबा ने कहा बच्ची ये ड्रामा में ऐसा ब्राह्मण परिवार की रीत रसम, ये बाबा को कहते कि सभी बच्चे कहते कि हाँ हम खुशी से आके दीदी को छुट्टी देते, कहाँ छुट्टी देते, लेके चली गई, कहाँ छुट्टी देते दादी, छुट्टी बिगड़ चली गई ना, वो कहते बिना छुट्टी चली गई आके छुट्टी दे। अच्छा बाबा कहता है अभी चौथा पावा भी चाहिए मुझे।
इसीलिए इतना आके चुटी। अच्छा उसकी कोई बात नहीं, अभी अभी हम पहले से ही लड़ लेंगे बाबा से। अच्छा जैसे अभी कहा ना कि सभी वेलकम, अभी कहा ना वेलकम, वैसे पहले कहे भाई वेलकम फिर भले बाबा। हाँ एक बाबा को कहेंगे एक ऐसा एग्जांपल आप करके देखो। करें नष्टो मोहा का पेपर, फिर नष्टो मोहा प्रैक्टिकल करना। हाँ जी हाँ वो तो प्यार से कहा था, लेकिन कहा था आपकी छुट्टी है ले जाओ ये कहा था, फिर छुट्टी सब दे दे। नहीं तभी किसी ने नहीं कहा, तभी कहा नहीं बाबा यहाँ आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता है, ये तभी तो हंसी की बात नहीं है। अभी दादी खुशी से छुट्टी लेंगी सब दे देंगे। नहीं देंगे वही देंगे देखा। कहती दादी का नाम नहीं बोलो और किसी का बोलो, हमारा ही बोलो। ऐसे नहीं करो ना कहो, हाँ बाबा छुट्टी किसी की भी लेंगे हम देंगे, पर ऐसे नहीं करो। नहीं कहते दादी की छुट्टी नहीं देंगे, बाबा कहेंगे अभी तो। क्या है और शाम को बहुत करके बाबा आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। Flying bird going back to Europe now, and I have to say that I'm overwhelmed of the love of the family. And during the sickness of Didi, Baba made me carry Didi as a little child, always constantly in my arms. And my feeling is I didn't carry only Didi, but the whole family. And I thank you very, very much for the really very deep experience due to your cooperation day and night, Yog Bhattis, with the Madhubanvasis was really so deep, and with all the Maharatis so filled with this and playing with Didiji in the Sadhu region, I will return. And I thank especially Dadiji who gave me so much good blessings, and all the Madhubanvasis here. I have been here for 2.5 weeks. I take leave now, but truly, I'm not taking leave. I feel I'm a Madhubanvasi, I will stay a Madhubanvasi, and I just go for service, filling the duty as I'm Baba's obedient child. He called me to go. Om Shanti, and thank you very much. Maloke Beach. हमारी प्यारी दीदी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी, इसीलिए ये तो मीठी मीठी बाप दादा हम बच्चों से रूहान कर देते हैं। ड्रामा में हर एक को बाबा ने पाठ पक्का करा दिया है, ड्रामा वो हम आप सब बच्चों को भी पाठ पक्का है, इसीलिए हम सभी के साथ बाप दादा सदा है ही, तो जब दीदी भी है ही। बाकी तो हम आप सभी का भी स्नेह प्रत्यक्ष रूप में सब देख रहे हैं, उसका भी क्या वर्णन करें, जब बताया देश विदेश से सब पंछी उड़ के पहुंच गए, तभी कहा कि हाँ बाबा ये भी भले ट्रायल करके देखे कि सब पंछी कैसे पहुंच जाते, और फिर भले बाबा पंछी किसी की भी छुट्टी दे ले, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है
जो जब संकल्प से परे होते तब वो संकल्प प्रैक्टिकल होता। अच्छा खैर, आप सभी की बताया कि सुख्यम अरिजी ने ये भी ड्रामानुसार यहाँ सन्मुख में दीदी को पा लिया, फिर भी है तो ये पुराना वस्त्र। हमें तो बाबा ने आदि से ही मन मना भव मध्याजी भव का पाठ पढ़ा के यही प्रैक्टिकल बनाया कि नष्टो मोहा, फिर भी ईश्वरी स्नेह तो आकर्षित अवश्य करे। बाकी अभी प्रोग्राम बता देंगे सभी आप लोग को, उसी अनुसार जरूर अपनी शुभ संकल्पों की दुआएं कहें, शक्ति कहें, जो भी कहें, साइलेंस के वाइब्रेशन देंगे ही। और आज शाम को बाप दादा समझती हूँ 6 बजे के टाइम हम बच्चों के बीच पधारेंगे और सब बच्चों की दिलाराम बाबा दिलों का आवाज़ सुनते अपने दिलों का रिस्पॉन्स दे देंगे। बाप दादा ही हम आत्माओं का प्राण है, सो प्राणेश्वर बाबा जरूर मिलेंगे ही, क्यों कई पूछ रहे थे जाने आने की, हमने कहा आज बाबा मिलेंगे, फिर कोई का भी जैसे भी हो मधुबन घर है, फिर भी अपने को प्रवृत्ति निभानी है, भले जा सकते। और साथ में जो हमारे भाई बहने विशेष इसी ड्रामा के अंदर जो पाठ नूंदा हुआ था मीटिंग के लिए भी आए हैं, सो कल 10 बजे सबकी हमारी बेहद सेवा के निमित्त मीटिंग भी रहेंगी, क्यों हम बच्चों का है 2 मंत्र बाबा और शिवा, वो भी रहेंगी, इसलिए मीटिंग वाले कल सवेरे कोई भी नहीं जावे। बाकी तो जो भी सेवा होंगी वो चलती रहेंगी। और हम सभी, बाबा ने तो हम सबको पहला मंत्र दिया है, अब घर जाना है, ये आदि और अंत का हमारा पाठ है, अब घर जाना है, जाने के लिए ही ये हमारी तपस्या है और तपस्या से ही हमें आखिरी सबको घर है। ओम शांति। बाप दादा और दीदी के अति स्नेही सभी भाई बहने, जैसी मुझे आज्ञा हुई कि मधुबन की तरफ से मैं कुछ बोलूं, वास्तव में ये ज़्यादा बोलने का तो कोई समय अभी इस प्रकार का नहीं है, और हम सब का यहाँ इकट्ठा होना ही सबके तरफ से दीदी जी के प्रति हमारा जो स्नेह है वो ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और जिस बात से दीदी जी का स्नेह उसी से हमारा स्नेह रहे, उस बात को हम अपनाएं। जैसे अभी दादी जी ने सुनाया, हम सब के लिए एक ही मंत्र है बाबा और सेवा, वो प्रैक्टिकल दीदी जी की लाइफ से उनके संबंध में आने से अनुभव हर कदम पे होता रहा है। तबीयत के अनुसार जितनी एंड्योरेंस दीदी जी ने की है, मेरा ख्याल है और किसी बहन ने नहीं की होगी तबीयत के बारे में, केवल अभी की बात नहीं लेकिन हम जब से देख रहे हैं उनकी तबीयत, शरीर, ब्लड प्रेशर की तकलीफ बहुत समय से, जिसके कारण उनको समय प्रति समय दवाई भी लेनी पड़ती थी, चेकिंग भी करानी पड़ती थी, लेकिन वो सब करते हुए ये देखने में आता था कि एक सेकंड भी वो सेवा के बिना नहीं रह सकते।
अगर दवाई भी लेने के लिए या डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं तो इसीलिए कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं ताकि मैं बाबा की सर्विस में बिजी रहूं। कुछ टाइम पहले जब यहां बाप दादा का प्रोग्राम चल रहा था, बहुत से भाई बहने सब तरफ से आते थे, उस समय उनकी तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिस कारण डॉक्टर ने यहाँ उनको रेस्ट के लिए बहुत कहा। केवल एक ग्रुप से वो नहीं मिल पाई थी, तो उनको यही मन में आता था कि मैं एक ग्रुप से नहीं मिल पाई तो ये भी एक जैसे मेरी सेवा कम हो गई। जैसे बाबा का पहले संदेश सुना, नंबर वन में जाने वाली बात शायद वो उनके मन में होंगी कि मुझे एक सेकंड भी बिना सेवा के नहीं रहना है, और बाबा का जो प्यार है सभी बच्चों को देना है और उसी से नंबर वन में जाना है। तो जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती थी, अभी डॉक्टर ने कहा 7 दिन रेस्ट करो, लेकिन एक दिन में कुछ दवाई लेने से या इंजेक्शन से थोड़ा फर्क पड़ा, तो दादी जी को कहती भाई मैं तो ज़रूर ग्रुप से मिलने चलूँगी। तो ओम शांति भवन में यहाँ लेके आए और वहाँ पर भी शांति स्तंभ पर भी उनको बैठ करके एक एक ग्रुप से मिलना, हाँ उसमें बहुत टाइम बैठने से फिर तबीयत खराब होती थी, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि आप 10 मिनट सबसे मिल लो, जो 2 वचन बाबा के स्नेह के सुनाने वो सुना के आप आराम करो चल के। हाँ कह करके चलेंगी, लेकिन वहाँ बैठने के बाद जब तक सबको दृष्टि और टोली ना दें तब तक उनको चैन नहीं। तो देखा गया कि परिवार के अंदर एग्जाम्पल्स अपनी अपनी अलग हैं, तो दीदी की एग्जाम्पल अपने प्रकार की है। और भाइयों के तरफ से 2 मोती आएंगे तो जन इसके लिए मैंने एक 2 शब्द कविता लिखी है, वो मोहन भाई सुनाएंगे। ए तुम्हें शांति सागर ने तुम्हें सागर बना दिया, प्रेम दीप ने तुझको, प्रेम दीप ने तुझको ज्योति घर बुला लिया। बाबा बाबा रटने वाली, बाबा बाबा रटते मन को, बाबा में बसा लिया। शांति सागर ने तुम्हें सागर बना दिया, छोड़ के देह के बंधन बाबा साथी बना लिया। शांति सागर ने तुम्हें सागर बना लिया। पर ये तो बताओ मन को मोहने वाली दीदी, ओ मीठी दीदी मीठे मधुबन वाली, एक नजर से उड़ाने वाली, वतन की सैर कराने वाली, फिर मिलेंगे कब हम तुझसे, फिर मिलेंगे कब हम तुझसे, पाएंगे माँ का प्यार तुझसे, ये तो बता जरा। शांति सागर ने तुझे सागर बना दिया, पाएगा परिवार कब,
दोनों ताज दादी दीदी, शक नहीं कि इसमें तू रहेगी सदा मधुबन में ही। हर मधुबन निवासी के, हर ब्राह्मण के दिल में ही खुशबू तेरे गुणों की रहेगी सदा मधुबन में ही। देखते रहेंगे तुझको हम तो सदा सदा, देखा तुझको हमने मधुबन में सदा। मुबारक तुझको यही लाखों बार, वतन की संपन्न फरिश्तों का सेवा का बाबा का साथ, मिलोगी हमको तारों से पार, देख रही हो हमको ऊपर से बाबा के साथ, मिलना चाहे साकार में सभी दीदी दिल से सुन लो आ।